YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन। चाउमीन की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को जी ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी डिले किए बगैर इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें इन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम बोनलेस, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। विनेगर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। चिकन में मैंने ऐड किया है विनेगर, हॉट सॉस, सोया सॉस, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद जी मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से करेंगे मैरिनेट और कम से कम इसको आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तक जी हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम तब तक कर लेते हैं नूडल्स को बॉयल। यहाँ पे मैंने लिया है स्पैगेटीज का एक पैक, आप यहाँ पे सिंपल नूडल्स भी ले सकते हैं। जैसे ही हमारा अच्छे से बॉयल होगा हम इसमें स्पैगेटीज ऐड करेंगे, साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए जी नूडल्स हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसको मैंने स्टेन कर लिया। जब आप नूडल्स या स्पैगेटीज को स्टेन करें तो इसके ऊपर आपने टैप वाटर लाजमी डालना है ताकि आपस में चिपके ना। और ये जी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। सबसे पहले जी मैं पैन में डालूंगी ऑयल और इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करके अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जी बारी है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है ऑनियन एक छोटे साइज का, कैबेज का फूल लिया एक छोटा, 2 गाजरें ली उसको जूलियन कट कर लिया, शिमला मिर्च ली 2 और उसको भी मैंने इस तरह काट लिया। और यहाँ देखिए जी चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसी ऑयल में और चिकन के साथ वेजिटेबल्स को करेंगे फ्राई। अनियन को 5 से 7 मिनट चिकन के साथ फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी और इसको भी 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही बंद गोभी हमारी हल्की सी सौते होगी हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। देखिए जी बंद गोभी और गाजर हमारी हल्की हल्की सौते हो चुकी है, अब बारी है इसमें कैप्सिकम ऐड करने की और उसको भी इन चीजों के साथ कर लेंगे फ्राई। वेजिटेबल हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, अब बारी है जी इसमें स्पैगेटीज ऐड करने की। स्पैगेटीज ऐड करती हूँ और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब बारी है जी सॉस रेडी करने की। चाउमीन की एक स्पेशल सॉस होती है, अब वो रेडी करते हैं। उसके लिए हमें ये वाले इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। सबसे पहले जी मैंने लिया गार्लिक केचप 2 टेबल स्पून, केचप 3 टेबल स्पून, वाइट पेपर 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर 1 टीस्पून एंड 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून। केचप में ऐड करेंगे गार्लिक केचप, वाइट पेपर, वाइट पेपर से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस एंड हॉट सॉस और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सॉस हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब इसको स्पैगेटीज और वेजिटेबल के ऊपर डाल के अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए जी मज़ेदार सा चाउमीन हमारा रेडी है, बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टफुल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। एंड पे जी हम दम देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट का ताकि सब्जियां और स्पाइसेस बैलेंस हो जाए और उसके बाद ये रेडी टू ईट है। और ये है जी मज़ेदार से चाउमीन की फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड एंड मूड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी
और अगर आप इस तरह की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।